हाँ देखो आज इतना साल भी हो गया, मैं आप लोग को यही बोलता था कि सलाम का जवाब दो, टीवी थोड़ी आ रहा हूँ, आज टीवी आ गया देख रहे हो, अल्लाह जो दिखा भाई सही है। अच्छा चलो टॉपिक की तरफ चलते, देखो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुन लो और समझो भी, जो सुनना मकसद है समझना भी है। देखो अभी तक ये आप लोग की कुछ किस्मती कह लो या बदकिस्मती कह लो, जो भी कह लो, जिसको जो लेना है वो ले लो, वो समझ लो इस बात को। पेपर दिया बगैर सेकंड ईयर में आए, मेरे साथ तो अच्छा ही कुछ किस्मती, इससे अच्छा क्या हो सकता है, पेपर दिए बगैर दोनों बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चों की आया कि देखो अब तुम लोग के पास एक ही चांस है, ये बदकिस्मती अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ा समझने का वक्त है अक्लमंदों के लिए, फर्स्ट एक फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम प्रॉपर तरीके से साल भर पढ़ के निकाल दो। मजेदार बात ये कि घर में ही बैठे लोग, कोई दूसरी एक्टिविटीज भी नहीं, प्रॉपर तरीके से अगर टाइम दोगे पढ़ाई को तो मेरे बच्चे परसेंटेज गेन करना मुश्किल है। और बहुत सारे अहमक हैं अभी भी जो अभी तक पढ़ाई को सीरियस ले लिए। पहली बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, पेपर अपने वक्त पर होगा, कुछ भी कर लो, वजह है कि तो ये वाला पेपर ना होने की एक वजह है, सॉलिड रीजन क्या है कि दुनिया भर में लॉकडाउन था, सही है, पर अब क्या सिलसिला है, दुनिया भर में लॉकडाउन खुलता चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में हर जगह पे प्रमोट किया गया, सिर्फ पाकिस्तान ही है, इंडिया में और मुख्तलिफ ममालिक में भी सबसे प्रमोट किया गया, जहां पे पेपर थे यूनिवर्सिटीज के हर देहात के स्टूडेंट को प्रमोट किया गया। अगला पेपर अपने वक्त पर होगा, HEC ने बोल दिया बीकॉम वालों, मतलब HEC हायर एजुकेशन में इंटर नहीं आ रहा उसके अंदर, सही ना, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, उसने बोल दिया, यूनिवर्सिटी ने बोल दिया पेपर हम अगला अपने टाइम पे लेंगे, मतलब बीकॉम वालों के लिए बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने बोल दिया किसी बिहाफ पे बोला होगा, हमारी जो सिंध को जो है गवर्नमेंट है उसकी जो एजुकेशन सिस्टम हम जानते हैं कैसे लोग बैठे हुए, उनको पता ही नहीं कि कब लेना है कब नहीं लेना है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, पेपर मेरे बच्चों अपने टाइम पे होगा। अब टॉपिक पे आते हैं मैथ के वाले से, मैथ के वाले से, मैथ में क्या है मेरे बच्चों, सेकंड ईयर की जो मैथ है वो इंतहाई मजेदार मैथ है कंपैरेटिवली फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में क्या था, सिर्फ हम काम किए जा रहे थे, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ काम करना मकसद हमें, फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन सिखाई जाती है। सेकंड ईयर के अंदर थोड़ी बहुत मैथ नजर आना शुरू होती है, फर्स्ट ईयर में मैथ करते हैं सिर्फ, सेकंड ईयर में मैथ में नजर आना शुरू होती है क्योंकि हर चीज ना डायग्राम के थ्रू होगी, हर चीज को विजुलाइज करेंगे, ये ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, कोई भी ना कहानी अपनी तरफ से नहीं होगी, आए बाएं शाएं नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने फेयर रजिस्टर को मेंटेन करना है, क्योंकि सबसे मैथ का मसला ये है प्रैक्टिस होगी तो ही तैयारी होगी। यहां बदकिस्मती यह है कि आप लोग के टेस्ट नहीं ले जा सकते, लॉकडाउन इंशाल्लाह खुल जाएगा कुछ हफ्ते के अंदर, उम्मीद है अल्लाह की जात से, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह खुल जाए, क्योंकि टेस्ट नहीं होगा मेरे बच्चों को तैयारी नहीं हो पाएगी, पर आप लोगों को खुद अपने तौर पर तैयारी करनी है कुछ भी करके, और उसका एक वाहिद हल है फेयर रजिस्टर, आपको जो काम कराऊंगा वो रफेशन में काम करें, उसी काम को बगैर देखे फेयर रजिस्टर में करें, तभी जाके आपकी मैथ की तैयारी होगी। और बाकी तमाम सब्जेक्ट के जो नोट्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह अगले महीने तक। इसमें थोड़ा सा दुकान सबका मसला है, सबका वो खुल नहीं रही प्रॉपर तरीके से, कुछ खुल रही है कुछ नहीं खुल रही है, कुछ वर्किंग हमारी भी रह गई है, तो वो चीज भी आपको मिल जाएंगे नोट्स प्रोवाइड। पर मैथ को फिजिक्स को केमिस्ट्री को थोड़ा सीरियस लेके जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड काम है उसको करो, इससे ज्यादा गोल्डन टाइम नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बेवकूफ ऐसे जो उस आखिर बैठे हुए हैं कि खुलेगा, अभी लॉकडाउन में कुछ कंडीशन नहीं पता, 3 महीने का 4 महीने का पेपर आपके टाइम खुलेंगे इस बात में गारंटी दे दूंगा आपको। जो स्टूडेंट आखिर में रहेंगे कि पेपर 3 महीने बाद होगा, तो 3 महीने बाद पढ़ लेंगे, मतलब कि पेपर नहीं होगा, 3 महीने बाद लॉकडाउन खुलेगा, जब एडमिशन लेंगे कोर्स तो निकल जाएगा, 3 महीने में हमारा आधा कोर्स निकलेगा, आधे से कम होगा, 40% तो निकलेगा, कितना 40% इंशाल्लाह हम कर लेंगे 3 महीने के अंदर, 40-60-50%। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या, अभी मैं आपको पेपर पैटर्न समझाता हूँ फिर हम टॉपिक की तरफ से।
बच्चों मदर तो आ रहे, तो राइटिंग का तो कसूर आप जानते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते, ये अल्लाह की तरफ से। सही है, समझ में आ रहा है पेपर पैटर्न लिखा सही है जो। अब जरा सुनना, है बिल्कुल सत्य वाला ही, पर कुछ यहाँ पे चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। सत्य में जो तीन पार्ट करते थे, सेक्शन एक पहले सेक्शन ए सेक्शन है, देखो बच्चों सेशन ए आपके पास क्या है, एमसीक्यू मार्क्स, बीस नंबर का आपके पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों में देखो आ रहे नाइन मैट्रिक फर्स्ट ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर नहीं दिया, नाइन मैट्रिक। अच्छा सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर पार्ट बनते हैं बच्चों, कैसे देखो जरा। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन वन ये है आपके पास, क्वेश्चन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर, पहला पार्ट है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, पांच क्वेश्चन, पांच पार्ट है, क्वेश्चन नंबर टू के पांच पार्ट है। अच्छा बच्चों अजान हो रही है, मैं लिखता जा रहा हूं, बाद में आपको बता दूंगा क्या आपको खिलाओ। सही है, तो बैकग्राउंड करते चले जाओ, मैं समझाता हूँ आपको क्या सिलसिला, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिलहाल आपने बैकग्राउंड करना है, अच्छा मेरे भाई तो तुम सुनो बात को, फिर आपको टाइम मिलेगा बैकग्राउंड करने का। अच्छा देखो सेक्शन बी के अंदर आपके पास तीन पार्ट है, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर, इसके अंदर पांच पार्ट आते हैं। सही, उनमें से आपने कोई भी तीन पार्ट करने हैं, आपकी मर्जी है पहले तीन कर ले या पहले दो और या आखिरी का तीन कर ले, मर्जी आपकी कोई भी तीन कर ले सबसे की तरह बिल्कुल ऐसे क्लास में क्या होगा वैसे टेस्ट। सही है ना, बिल्कुल वैसे टेस्ट। सही है जी, अब यहाँ पे क्या है एनालिटिकल ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन। सही मेरे बच्चों, ऐसे यहाँ बैठे आपने यहाँ पे भी तीन पार्ट कर, कोई भी तीन पार्ट कीजिए आपकी मर्जी है, कैलकुलर यहाँ पे भी तीन पार्ट कर आपकी मर्जी है। टोटल मिला के कितने होगा, तीन छ नौ, करने कितने क्वेश्चन है दस, एक बचा ये आपकी मर्जी है, जो लास्ट बचा वो कहीं से भी कर ले, इस पार्ट से करें, इस पार्ट से करें, इस पार्ट से करें। इसके जो मार्क्स है मेरे बच्चों 50, पांच नंबर का एक क्वेश्चन 50, तो तीन यहां से, तीन यहां से, तीन यहां से, नौ हो गए, एक बचा वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर मतलब पक्ष के नहीं सर के नहीं मर्जी है कि आपने कहां से करना। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छा मेरे शराब लोग सुनो, वहां से बात सेक्शन सी,
क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, जैसे कि वहां पे होता था कंपलसरी, स्पेलिंग नहीं आती क्लेम में लिखा, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं, राइट, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6 परफेक्ट, ये क्या है, आपके पास 30 मार्क्स का है, सही बच्चों, 30 मार्क्स का है, तो ये आपकी मर्जी है मेरे बच्चों कि इन तीनों, पहले तो एक तो कंपलसरी है, अब इन दोनों में से मर्जी आपकी कोई भी एक है। अब ये पेपर पैटर्न में अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, 2 मिनट का टाइम भी दूंगा क्योंकि यहां पे काम कराना है और मिटाना है। शाबाश, चलिए फ्लैट हूं, कोई सवाल है तो हैंड रेज करो, शाबाश, उम्मीद है कि सवाल नहीं होगा। बच्चों बोर्ड प्रॉपर नजर आ रहा है ना, प्रॉपर नजर आ रहा है, थम कीजिए जरा बोर्ड पे, शाबाश, अगर बोर्ड प्रॉपर नजर आ रहा है आप लोगों को तो जरा थम करके बताइए कि बोर्ड प्रॉपर नजर आना चाहिए। उस दिन गए जब हम लोग क्लास में तपस्या कर रहे थे, बेटे आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा लवली भाई, कोई सवाल है? करीब हो तो मैं क्लास में थप्पड़ लगा रहा होगा, तो मुझे राइट है बच्चों, बच्चों बस याद रखना इस चीज को, इस चीज का खास ख्याल रखना, परसेंटेज गेन करनी है, बात है बता रहा, गेन करनी है, लास्ट चांस है आप लोगों के पास, कुछ भी कर रहे हैं, एक साल है बस, एक साल की बात है, आगे ऐसा नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना है आगे भी, पर ये जो साल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही बार का फैसला होगा आप लोगों का कि आप लोगों ने कहा जाएंगे, और जब परसेंटेज नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा तो फिर एक ही काम करेंगे, जो ना करे कोई काम वो करे भी काम, सही है, और बार बार बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से कर लो पढ़ाई, और फिर अब टाइम नहीं मिलेगा, क्या आखिरी चांस है आपके पास, दिखाऊ वाले घर में ऐसा नहीं करूंगी, चलो बच्चों आगे आगे बढ़े, मिटाते हैं इसको, लिखिए आप लोगों ने दस संपर्क किए, शाबाश जल्दी दी, हम जा रहे चैप्टर नंबर 2 पे, स्ट्रेट लाइन उसकी एक्सरसाइज 1.2, मेरे बच्चों लिख लिया, अली सर ने प्रेस कर दिया था, चलो मेरे बच्चों में मिटा रहा हूं, अगर नहीं किया तो बता रहा हूं मैं, रुक जाऊंगा, हैंड रेज कर दो अगर नहीं किया तो, ओके बच्चों चलो बेटा, कोई एड्रेस कर रहा है बेटे, जल्दी करो शाबाश, टाइम कम है, काम ज्यादा है बेटे, और अगर ज्यादा लिखने में थोड़ी सुस्ती हो रही है तो स्क्रीन शॉट ले लो शाबाश का, फिर बाद में राइट डाउन कर लेना, हर किसी के लिए नहीं बोल रहा ये बात,
क्योंकि मेरे बच्चे कुछ स्टूडेंट होते हैं थोड़े से राइटिंग में स्विफ्ट होते हैं, तो एक बार लिख लोगे तो फायदा रहेगा। जो स्क्रीन शॉट लिया रहता है वो मोबाइल में पड़ा रहता है, कभी एक कॉपी में नहीं आता, क्योंकि हम तो सब चीजें कर चुके हैं, बच्चा हमें पता है। तो बार बार बोल रहा हूँ स्क्रीन शॉट ना लो, बेहतर ये है कि राइट डाउन कर लो। एक बार मोबाइल में जो चीज पड़ी रहती है वो पड़े पड़े बेकार हो जाएगी, कॉपी में नहीं आएगी, बेहतर है कि लिख लो। सही है, इसे मिटा दूं। चलो मेरे बेटे, अब जरा देखिएगा, हमारे पास चैप्टर है स्टेट लाइन, स्टेट लाइन। स्टेट लाइन चैप्टर नंबर टू। सवाल नहीं हो सकता, सब पहला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे, दिल्ली कर रहे थे। सही है, वो अपनी तरफ से मिलेंगे हम। स्ट्रेट लाइन आपके पास चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.2। जरा बेटे बुक खोल लीजिए, यहाँ पे अभी फिलहाल तो आसान से सवाल है, पर यहाँ पे सवाल अगर समझ नहीं सके तो ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं समझना, काम नहीं हो पाएगा। सवाल को पहले समझेंगे, क्योंकि अंग्रेजी लिखी हुई है बेटे, पहले बता दू। मसला सबसे बड़ा ये है कि इंग्लिश है यहाँ पे। अब हमने दो काम एक साथ करने, इंग्लिश और मैथ। बता, सबसे बड़ा मसला है कि हम बिल्कुल जो चैप्टर नंबर सिक्स था ना हमारे पास, मसला क्या होता था उसके अंदर, सबसे अगर चैप्टर सिक्स था उसका मसला ही स्टूडेंट नहीं होता था कि इंग्लिश लिखी है, और कोई मसला नहीं है। मैथ में सारे हम लोग तो धड़ाधड़ कर देते हैं, सिर्फ मसला आता है इंग्लिश का। हमने CAT कैट 5 क्लास में पढ़ा है। सही है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बुक पढ़ी हुई रखी हुई है, और बेटे ये जो बुक है ये आपकी मैथ की बुक है, और ये गाजी बुक है, शहीद नहीं है, शहीद तो इधर खत्म हो गए, ये हर साल मैदान में कूद जाती है, ये हर साल मैदान में आ जाती है, ये गाजी बुक है। सही है मेरे बच्चों, अब जरा देखो स्टेट लाइन आपके पास चैप्टर नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। बोला ये जो पॉइंट दिए हैं कौन कौन से, बच्चों जरा तवज्जो देना, सब पहला पार्ट क्या सारे पार्ट नहीं कराऊंगा फिर मैं। अच्छा पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता दूं होगा क्या, मैंने लिखा नहीं जब शुरू कर दिया था, जरा देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। क्या मेरे बच्चों, ये हमने इस्तेमाल कर चुके हैं, कहाँ इस्तेमाल किया था, जब हमने लॉग कोसाइन किया था ना मेरे बच्चों, वहां पे ये इस्तेमाल किया था। अब आपको याद हो के ना याद हो, मुझे याद है पर जरा इन्होंने लॉग कोसाइन पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, बहुत सही बच्चे हुए रहे यार ये है, मतलब सही मेरे बच्चों, लॉग कोसाइन में हमने ये बीच में इस्तेमाल किया था, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका बेसिक पर्पज क्या होता है आपको मैंने बताया था, पर मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट कर ले, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये P1 है हमारे पास, ये P2 है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का फासला फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, यहां से लेके मैं यहां तक का फासला फाइंड करूं या वहां से लेके यहां तक का फासला फाइंड करूं, दोबारा दोहरा रहा हूं मेरे बच्चों, यहां से लेके यहां तक का फासला लूं या P2 से P1 का फासला, डिस्टेंस क्या आएगा हमेशा सेम ही आएगा। वाली बात है, पैराडाइज से मैं गुजारे हिजरी का नाप प्राप्त कर लू, डिस्टेंस नापो या गुजारे हिजरी से पैराडाइज का डिस्टेंस क्या रहेगा मेरे बच्चों, सेम। तो याद रखिएगा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो आपकी गलती है, सही है, और कुछ भी नहीं। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है साफ साफ का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ खोले गए तो शेर दिल, कुछ पूछना चाह रहे मेरे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ
जी सर, मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा अगर आप बड़ा लिख दें तो अच्छा नजर आएगा। अच्छा फिर बेटा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। इस थोड़े से इशू आएंगे, जो भी आए तो विदाउट हेजिटेशन, सर ने फरान ने बोला था वही लोग इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीखा हूँ विदाउट हेजिटेशन आप लोग बोलिएगा, बगैर किसी रिटायर्ड के मेरे बच्चों बोलेगा, जो भी रिजा आपको मसला आ रहा हो, क्योंकि हम लोग यहाँ मसला हल करने बैठे हो। कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह वो बिल्कुल फ्लुएंसी में क्लास आ जाएगी हमारी, जो इंग्लिश में बोल दिया। चलो अब जरा बच्चों देखो, मैं लिखता हूँ, जरा मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन है मेरे बेटे। पी वन आपके पास दिया हुआ है माइनस थ्री माइनस वन, और पी टू दिया हुआ है नाइन और फोर। अच्छा, मैं तुम्हें एक इससे हट के एक बात बता दू, ये बात सुनना, सवाल तो यही रखा हुआ अपनी जगह पे, मैं आपकी चीज दिखा रहा हूं, अच्छी लगी तो बेटा रख लेना उसको फर्क। सही है, क्या है आपके पास, अगर यू लिखा हुआ है x, सॉरी हाँ ऐसे x y 2y, तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, x इसके इक्वल है 2, y इसके इक्वल है 5, ऐसा ही है ना, x इसके इक्वल है 2, y इसके इक्वल है 5, ये ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका होता है। तो याद रखना, हमेशा ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, पहली x की दूसरी y की। तो ये आपके पास है मेरे बच्चों x1, ये है y1, ये x2, ये y2, सही है मेरे बच्चों। अब हम जा रहे हैं फॉर्मूले की तरफ, हमें क्या इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट कर लो, प्लेन पे दो पॉइंट है, ये प्लेन है आपके पास x और y, यहाँ पे p1 मौजूद है, यहाँ p2 मौजूद है, बोलना है दोनों के दरमियान का फासला बताए, और कोई काम नहीं। मैं दो तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा आहिस्ता बोलता हूँ, अगेन ये इसकी जो मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, रफ सी डायग्राम है, क्या है कि तो मुझे p1 क्या है माइनस थ्री और माइनस वन, जाहिर सी बात है माइनस का, तो इसी यहाँ पे x और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, इस पर नीचे होगा ऊपर नहीं होगा, तो रफ सी डायग्राम है, इसको संजीदा मतलब सही है। अब देखिए, बस बताना मकसद ये है कि प्लेन पे है दो पॉइंट, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन, क्या है बच्चों, बाय यूजिंग फॉर्मूला जब भी किसी भी फॉर्मूले का आपको नाम ना पता हो या स्पेलिंग मुश्किल हो, आपने क्या लिखना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला आसान है, अच्छा जी, देखो ये फॉर्मूला आ गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब तो मैं वैल्यूज पुट करता चला जा रहा हूं और मुझे बताते जाइएगा, अच्छा बता दो नहीं सकते, सुनते जाइएगा, x2 कितना है मेरे, 9 माइनस x1 कितना है माइनस का 3, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 होल पे स्क्वायर, क्या बेटे स्क्वायर, प्लस y2 कितना मेरे बेटे 4 माइनस y1 कितना माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, होल पे स्क्वायर d, 9 और ये कितना हो गया 10 12, होल पे स्क्वायर प्लस 4 और 1 5, होल पे स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटा, होता देखो ये असल में स्क्वायर है, असल में कोई आपके दिख रहे पैरेंट जी बोले हैं बिल्कुल स्क्वायर नहीं बोलना आता, तो ये क्या आपके पास अभी नजर आ रहा है नीचे लिखो, ठीक है। अच्छा बच्चा, जरा तवज्जो दीजिएगा, 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 स्क्वायर 25,
अच्छा अब इसको ऐड करते हैं भाई, देखिए अब आप लोग तो है नहीं, कोई और ही ऐड करेगा, अली जरा ऐड करके बताओ कितना हो रहा है। 169। बेटा इसका रूट ले लेते हैं, कितना आ गया 13। अब याद रखिएगा ये क्या है, डिस्टेंस। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात सुना, ये जो आपको एब्सोल्यूट के साइन दिख रहे हैं ना, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पर डिस्टेंस है यकीनन लाजमी ये किसी ना किसी यूनिट में होगा, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किसी ना किसी में होगा, पर क्वेश्चन में है यूनिट बातें नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, तो हम सिंपल यहां क्या लिखेंगे, और अगर हम नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे बेटे, तो हमने क्या यूनिट लिखना हमारे पे वाजिब है, क्या है बाबू, वाजिब। मत इसे तो डाक करूं, हाँ अब बच्चों मेरे किसी को कोई सवाल है तो बिला झिझक पूछिए, एंट्रेस कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन कर जाएंगे। चले शाबाश, हल्की तैयारी। हाँ मेरे बच्चों कोई सवाल है आपको, अली को हैंड रेज कर रहा है, कितने प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ में आ रहा है, दो काम हो सकते हो, सब समझ में आ रहा है या कितने समझ में आ रहा है, एक आ गया भाई, कौन है, मलिया, हाँ मेरी बेटी, अस्सलाम वालेकुम, हाँ मेरी बेटी बोले, जी सर मुझे ये पूछना है, सारे बाकी सारे पार्ट भी सेम पैटर्न से हैं, बिल्कुल मेरी शहजादी, बस एक पार्ट और कराऊंगा उसके बाद आप देख लीजिएगा, सही है, एक सवाल और कराऊंगा फिर आप नहीं करना, आप जानते हैं मेरी आदत, मैं एक दो सवाल कराऊंगा बाकी आपकी जिम्मेदारी है, हाँ ठीक है बेटा मलिया, बंद कर दिया तो माइक, कुछ पूछना चाह रही है और क्या, देखो माइक खोलो तो पूछ लो उसका, मैं खोल दिया माइक उसका, जी सर, मेरी बेटी और कुछ पूछना है आपने, नहीं नहीं सर, थैंक यू, ठीक है बेटा, हाँ बेटे जल्दी से जल्दी भी राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रहता है हमारे पास टाइम, ऑनलाइन क्लास को जरा देखो मसला सारा ये, वहां पे क्लास में क्या होता था, मैं आता लेट था जाता देखते था, यहाँ पे मसला ये है ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, यहाँ सारी जो नवाबियां थी खत्म हो गई है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, 40 मिनट बाद आपको क्लास से खुद निकाल देगा ये मेरे साथ से, सही है, तो लिहाजा हमें टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल टाइम पे आने की पूरी कोशिश करूंगा रोजाना, और आप लोग सिर्फ गुजारिश है थोड़ा तेज से हाथ चलाए, चलो बेटे जल्दी हम करें शायद, ताकि दरअसल शेरदेव और कौन है बच्चा अली हुसैन, मेरे बच्चों कोई सवाल तो नहीं है ना, समझ तो नहीं आ रहा है, सही बच्चे चलो मिटा दू, राइट आउट कर लिया आप लोगों ने, पूछना कुछ, अच्छा तो पूछता हूँ जरा माइक खोलो उसका, चित्रा बेटे आवाज आ रही है आपको, कनेक्ट नहीं हो अभी, कनेक्ट हो तो मुझे बताइएगा मैडम, मैं आपसे बात कर, नेट इशू आ रहा है मेरे हाथ में,
पहले बच्चा आगे बढ़ेगा आगे तरफ। हाँ तब आगे तरफ बढ़ना, आके किसी को भी चीज समझना है तो बिल्कुल पूछिए बिना किसी झिझक के, हिचकिचाहट के। ऐसे समझिए कि आपकी अपनी क्लास है। अब मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू इसका पार्ट है, बाकी जो इससे रेलेवेंट पार्ट है आप कर लीजिएगा और दिल ना करे तो ना करिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर टू, इसका पार्ट टू देखिएगा। पी आपके पास, अब उन्होंने दो पॉइंट दिए, पी वन और फाइव। अली की वॉइस कम कीजिएगा अपने, अली की वन और फाइव। अच्छा और क्यू आपको दिया हुआ है सिक्स और टू। सही मेरे बच्चों, ये दो पॉइंट दिए हैं आपको और क्या बोल रहा है आपको, अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू से करना, वही पैटर्न वही चीज है, कोई कोई नई चीज नहीं है। क्या है मेरे बच्चों, ये एक प्लेन ले लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट ले लो पी ये रहा और क्यू भी इसी के आसपास ये रहा, इन दोनों के दरमियान पॉइंट फाइंड, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, बस ये काम है और कुछ भी नहीं है। पेपर में डायग्राम बनानी नहीं है आप लोगों ने, पेपर में डायग्राम नहीं बनानी है, अगर बना दे तो कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसी कहानी है कुछ, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो जरूरी थोड़ी बेटा हर किसी को समझ में आ जाए। अच्छा अब हमारे पास क्या है, ये एक्स वन ये वाई वन, ये एक्स टू ये वाई टू। अगेन बेटे एक्स टू कितना मेरे पास, सिक्स कितना बेटे स्पॉक। अच्छा एक्स वन कितना है, ये स्क्वायर आ गया आपके पास, प्लस मेरे बेटे y2 कितना है दुआ, माइनस y1 कितना है पिंजरे और होल पे स्क्वायर। अच्छा अब जरा समझ देना, 6 माइनस 1 कितना बचा पिंजरे और दुआ माइनस पिंजरे कितना बचा ग्रे, ये आ गया आपके पास। अब जरा देखते हैं इसको, फाइव के स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, फाइव के स्क्वायर 25 प्लस थ्री के स्क्वायर मेरे चुनाव 9, 25 और 9 कितना हो रहा है 34। बेटी 34 जो है इसका कोई रूट नहीं आएगा, तो उसके आगे क्या लिखते डायरेक्ट आप डायरेक्ट लिख दीजिए, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास कितना आगे 34 सही है, होल स्क्वायर तो मैं खोली गई ना। हाँ मेरी बेटी अभी आई है क्लास में, क्या हुआ नहीं बेटी इस आपको आवाज आ रही है, जी जी आवाज आ रही है जी। हाँ बेटा आपकी अब जो क्लास है, हाँ अब जो क्लास आपकी तो 5:20 पे है, कल जल्दी आ रहे यार। नहीं नहीं मैं थी अभी, वो नेट मसला आ गया था वापस आ गया। अच्छा बोले नेट इशू हो गया था, ठीक क्लास चलिए बेटा आपको मशवरा सबको यही है मेरे बच्चों कि आप लोग सारे मोबाइल डाटा यूज करें, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं करेगा, केबल नेट रिलायबल नहीं है, मोबाइल डाटा यूज करेंगे किसी को इशू नहीं आएगा, जो बच्चे मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं उनका नेट का इश्यू नहीं आएगा, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं। 3 मिनट रह गए बच्चों, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ क्या करना है आपके घर में, अब जरा बहुत सी बात सुनेगा, बुक उठा रहा हूं और तवज्जो फरमाइएगा। देखिए क्वेश्चन वन के कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, आपका दिल करे दो और कर लीजिएगा, सारे करने की जरूरत नहीं, टाइम लगा है, सिर्फ इसके अंदर आपको मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज समझाना है, क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसके अंदर 18 क्वेश्चन है और 18 के 18 डिस्टेंस फॉर्मूले से ही होंगे, तो वहां पर आप समझ जाएंगे। बस यहाँ बेसिक आप लोगों को मैंने, मेरा मकसद जो था बेसिक यूज समझाना था वो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर टू की बात करो, पार्ट टू की बात नहीं करना, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्या बोला, फाइंड द लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है बेटे, यहां से यहां तक की चीज सिंपल सी बात है, बोले यहां से लेके यहां तक की लंबाई फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट पे मुझे ये पॉइंट बताओ और ये पॉइंट बताओ, तो मैं इनकी लंबाई फाइंड कर रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, यहां से लेके यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा उतनी उसकी लंबाई होगी, सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर भी मेरे बच्चों यही काम करना है, इसके सिर्फ एक पार्ट कर लेना और करने की जरूरत नहीं है,
वो अजीब सी शक्ल के हैं सारे, सही है ना, करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को फिर भी शौक हो रहा हो जाता पढ़ने का खुदाना रास्ता, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लेंगे ग्रुप पे कि सर ऐसा क्यों करना और क्या करना है, इसमें क्या करना बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले, क्वेश्चन 3 की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन 3 हम करेंगे, क्वेश्चन 2 आप लोगों का होमवर्क है मेरे बच्चों, जितने क्वेश्चन दिल करें कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3-2 आपका होमवर्क है, 3 मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, कल क्लास होगी, कल भी आने गए, सिर्फ 2 मिनट रह गए। अब आप लोग को जो सवाल है मेरे बच्चों पूछ सकते हैं, मुझसे 2 मिनट का टाइम रहे बगैर पूछे शाबाश, तो खुद बन जाएगी मीटिंग, जल्दी मेरे बच्चों शाबाश हैंड रेज कीजिए, कोई सवाल आ रहा है जहन में पूछ ले, कोई भी मसला हो पूछ सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप घर के मसले बता दो सर पानी नहीं आ रहा, ये इलाज नहीं है हमारे पास, इस क्लास के हवाले से कोई मसला तो बोले असल बोले आपका असल डिटेल। हेलो असल बेटे मुझे तुम्हारा माउथ ठीक खराब है मेरे बच्चे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, वो अपना माउथ ठीक सही करो बेटे, नहीं आ रही मेरे बच्चे, तुम ऐसा करो तुम ना चैट कर लो, जो भी मसला आ रहा है ना चैट ऑप्शन आ रहा है नीचे चेक करना, जो भी डाउट है ना वहां पे चैट का ऑप्शन आता है मेरे बच्चे, आप बोल दो नहीं बोलनी, कुछ भी नहीं बोला आपने सर, हाँ बेटा ऐसे बोलो नंबर 2 में जो एक जगह हम कौन सा क्या नंबर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, चलो ऐसा करूंगा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें 2 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट।